welcome to my new video. Myself Anjali. Today I will explain you in Hindi Chitra Katha. Okay, Chitra Katha. The topic Paathshala. आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठशाला. Okay, so let's start. पाठशाला. पाठशाला का मतलब क्या होता है बच्चों? Yes, school. Yes, आपको स्कूल की बहुत याद आ रही है ना, क्योंकि आप अभी स्कूल नहीं आ पा रहे हो. ओके, इन दिस वीडियो आपको मैं स्कूल की बारे में सब कुछ बताऊंगी, ठीक है. पाठशाला का मतलब होता है स्कूल. यस, स्कूल में क्या क्या होता है? बहुत सारे क्लास होते हैं, है कि नहीं? उसको क्या बोलते हैं? कक्ष, ठीक है. बहुत सारे टीचर्स होते हैं, शिक्षिकाएं होती है, शिक्षक होते हैं, अध्यापक भी होते हैं यानी प्रिंसिपल होते हैं, है कि नहीं? यहाँ पे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, उसके अलग अलग रूम्स होते हैं. यस, लैब होते हैं, आपने देखा होगा. यस, देखा है कि नहीं सब? ओके, नाउ इन दिस वीडियो मैं आपको बहुत अच्छी से चित्रकथा समझाऊंगी. नाउ स्टूडेंट सी दिस पिक्चर. ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है? यस. किसकी पिक्चर है ये? देखो यहाँ पे क्या लिखा है. प में आ की मात्रा पा, ठ श में आ की मात्रा, ल में आ की मात्रा. पाठशाला, पाठशाला. ये क्या है? पाठशाला. पाठशाला का मतलब क्या है? स्कूल, ठीक है. देखो ये पाठशाला है. यहाँ पे क्या है? पेड़ है. देखो ये पौधे हैं छोटे छोटे, दिख रहे हैं आपको. ये क्या है? बस है, स्कूल बस है, ठीक है. और ये कौन है? बच्चे हैं, ठीक है, जो स्कूल जा रहे हैं, पाठशाला जा रहे हैं, ठीक है. तो ये पिक्चर में आपको क्या क्या नजर आ रहा है? पाठशाला, पेड़, पौधे, बस, बच्चे, ठीक है. ये चित्र कथा है, आपको चित्र को देख के लिखना है यहाँ पे लाइंस, ठीक है. मैं लिखवा रही हूँ, आपको आपके नोटबुक में लिखना है. स्टूडेंट्स, आपको ये पाठशाला की पिक्चर ड्रॉ करनी है. अगर आपको नहीं आता है ड्रॉ करना तो कोई बात नहीं, आप स्टिक भी कर सकते हो, ठीक है. लेकिन ये बहुत इजी है, आपको बस ऐसे स्क्वायर में ड्रॉ करना है, ठीक है. ट्राई करना, नहीं हो सके तो आप स्टिक करना. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट. नंबर वन. नंबर वन है, यह चित्र किसका है? पाठशाला का है. तो मैं यहां लिखूंगी यह, च में इ की मात्रा, अत्र यह चित्र, पा ठ श में आ की मात्रा, ल में आ की मात्रा, पाठशाला, क में आ की मात्रा, हमें ए की मात्रा है. यह चित्र पाठशाला का है, ठीक है. अभी नाउ टू नंबर पाठशाला. पाठशाला की इमारत बहुत बड़ी होती है. सो मतलब क्या इमारत का? यानी ऊंचाई से. जैसे कि हमारे एमएस स्कूल में कैसा है? फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, है कि नहीं? उसे इमारत बोलते हैं. सो पाठशाला की इमारत कैसी है? बहुत बड़ी है, यानी पाठशाला की बड़ी है, ठीक है. तो प में आ की मात्रा, ठ श में आ की मात्रा, ला पाठशाला की, क में इ की मात्रा, की ई मा र त इमारत, बहुत हमें छोटी उ की मात्रा, बड़ी वे में इ की मात्रा है, ठीक है. पाठशाला की इमारत बहुत बड़ी है. नाउ थ्री नंबर. थ्री नंबर में क्या? दो बच्चे पाठशाला जा रहे हैं. देखो दो बच्चे दिख रहे हैं आपको, जो पाठशाला जा रहे हैं. तब मैं यहाँ पे लिखूंगी दो में उ की मात्रा, दो ब आधा च और चे, दो बच्चे पाठशाला, च में आ की मात्रा, जा रहे हैं. दो बच्चे पाठशाला जा रहे हैं. अब फोर नंबर. फोर नंबर में अभी क्या हम लिखेंगे? देखो पेड़ पौधे. पेड़ पौधे नहीं लिखे हैं ना हमने. पाठशाला के आसपास पेड़ हैं. पाठशाला, पाठशाला के आस पास
पेड़ है कि नहीं? आसपास आपने देखा होगा, कोई भी स्कूल हो उसके आजू बाजू बहुत सारे पेड़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, बड़े भी होते हैं, छोटे छोटे भी प्लांट्स होते हैं, है कि नहीं? हम आप हमारे मर्शी स्कूल में आते हो तो आपने देखा है ना बाहर कितने सारे प्लांट्स है कि नहीं? ट्रीज भी है, कितना अच्छा लगता है, जिससे प्लांट से हमें शुद्ध हवा मिलती है। ओके, नाउ फाइव नंबर में क्या नजर आ रहा है आपको? ये क्या है? बस। पाठशाला के बाहर एक बस खड़ी है, ठीक है। पाठशाला के ब में आ की मात्रा और पाठशाला के बाहर एक बस ख डी में ई की मात्रा है। पाठशाला के बाहर एक बस खड़ी है। देखो ये बस खड़ी है, ठीक है, जो बच्चे बस में जाते हैं, ठीक है। पाठशाला के बाहर एक बस खड़ी है, ठीक है, ये बस है जो जिन बच्चों का घर दूर होता है, ठीक है, तो वो बस से स्कूल आते हैं, बस से पाठशाला में आते हैं, और जो पास में रहते हैं वो पैदल ही आ जाते हैं, कुछ के माँ बाप आते हैं छोड़ने के लिए स्कूल में। पाठशाला के बाहर एक बस खड़ी है, सी ये बस है जो जिन बच्चों का घर दूर है स्कूल से पाठशाला से वो बस में आते हैं, ठीक है, जो पास में रहते हैं वो पैदल ही आ जाते हैं, कुछ के पेरेंट्स छोड़ने आते हैं कि नहीं? यस। नाउ सिक्स नंबर में पाठशाला में आप लोग जाते हो तो क्या क्या सीखते हो? यस, आप लोग पढ़ाई के बारे में जानते हो, नई नई चीजें सीखते हो कि नहीं पाठशाला में? तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पाठशाला में हम नई, बड़ी ई है, ठीक है, नई चीजें सीखते हैं। आप लोगों को मजा भी आता है, नई नई चीजें आप सीखते हो, फिर आप घर पे आके सबको बताते हो, अपने दोस्तों को बताते हो, अपनी मम्मी को बताते हो कि नहीं? अभी सेवन नंबर तो सबसे प्रिय है आपका। यस, पाठशाला में खेल का मैदान भी होता है कि नहीं पाठशाला में, जहाँ आप खेलते हो, नई नई गेम्स खेलते हो, है कि नहीं? अब हम लिखेंगे पाठशाला में खेल का मैदान भी होता है। पाठशाला में खेलने का मैदान भी होता है, जहां आप गेम्स खेलते हो, है कि नहीं? नाउ स्टूडेंट, फिर से हम रिवाइज करते हैं। पाठशाला फर्स्ट है, यह चित्र पाठशाला का है। टू नंबर, पाठशाला की इमारत बहुत बड़ी है। थ्री नंबर, दो बच्चे पाठशाला जा रहे हैं। फोर नंबर, पाठशाला के आसपास पेड़ है। फाइव नंबर, पाठशाला के बाहर एक बस खड़ी है। सिक्स नंबर, पाठशाला में हम नई नई चीजें सीखते हैं। सेवन नंबर, पाठशाला में खेल का मैदान भी होता है। सो ये है हमारी चित्रकथा पाठशाला। आपको आपकी नोटबुक में ये लिखना है सारे पॉइंट्स, ओके, वो भी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है, गुड हैंडराइटिंग में, ओके स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आपको आपकी बुक में पिक्चर पाठशाला की ड्रॉ करना है या तो स्टिक करना है। अगर आपको ड्रॉ करना आता है तो आप ड्रॉ कर सकते हो, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप पिक्चर भी आप स्टिक कर सकते हो पाठशाला की। और आपको ये 5 to 6 लाइंस आपको लिखना है आपके नोटबुक में। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन अवर ऑनलाइन सेशन। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।